हेलो गाइस, तो अभी हम एक्सरसाइज 4 को प्रैक्टिस करेंगे और जो भी कमांड्स हमने सीखी हैं उन सभी कमांड्स का यूज करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पर दो रेक्टेंगल्स, तो मैं दो रेक्टेंगल बनाऊंगा। जिसकी लेंथ है 120, हाइट है 160। ओके, तो मैं पहला रेक्टेंगल बना रहा हूँ जिसकी लेंथ है 120 और हाइट है जिसकी 160। ओके, मैंने एक ये रेक्टेंगल बना लिया। अभी मैं दूसरा रेक्टेंगल बनाऊंगा जिसकी लेंथ है 200, हाइट है 100। ओके, तो मैं फिर से एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पे और डायमेंशन दूंगा मैं जिसकी लेंथ है 200। ओके, और हाइट है उसकी 100। मैंने यहाँ पर दो रेक्टेंगल बना लिए हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने दो रेक्टेंगल बना लिए, अब मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ पर मूव करूंगा। ओके, मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कमांड मूव कमांड या कॉपी कमांड ले सकते हैं, या कॉपी कमांड लेने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया, अब मैं मूव कमांड को यहाँ से लेता हूँ रिबन बार से। अब मैं यहाँ से इसके इस जो लेफ्ट साइड है यहाँ से मैं इसके मिड पॉइंट से इसको ग्रिप करता हूँ और इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पर इसको मैं प्लेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस ड्राइंग को बना लिया है। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि अभी मुझे ये दो बॉक्सेस और बनाने हैं। तो बॉक्सेस, ये जो स्क्वायर रेक्टेंगल दिख रहे हैं बॉक्सेस, अभी इनकी डायमेंशन मैं देख लेता हूँ, 80 और 40। तो मैं कैसे करूँगा, मैं फिर से एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल बनाने के लिए मैं डायमेंशन उसकी देता हूँ 80 उसकी लेंथ है और 40 उसकी हाइट है। ओके, 80 और 40 mm का मैंने रेक्टेंगल बना लिया, इसको भी मैं मूव कर लेता हूँ। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कमांड पे गया, ऑब्जेक्ट को अभी सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। ओके, अभी मैं इसको कहाँ से ग्रिप करना चाहता हूँ, मैं इसकी लोअर साइड में नीचे वाली साइड से ग्रिप करके और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर प्लेस कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह मैंने ये जो ड्राइंग है वो कर लिया। अभी मुझे डिस्टेंस देना है। ओके, अभी मुझे इसको मिड में प्लेस करना था तो मैंने मिड में प्लेस कर दिया। ओके, अभी क्या करूँगा, मैं इसको डिस्टेंस दूंगा, डिस्टेंस कितनी देनी है मुझे। आप देख सकते हैं कि जैसे कि 20 अगर यहाँ है तो 20 ही इस साइड पर होगा, यानी कि 40 और 80 ये है, यानी कि 120 कंप्लीट हो रहा है, इसलिए मैंने मिड पे प्लेस किया। अदरवाइज आप सोचो कि मैंने ये 20 ऑफसेट क्यों नहीं लिया यहाँ से, तो क्योंकि 20 इस तरफ है, 20 इस तरफ, 40 और 80 इसकी लेंथ है, तो ये हो जाएगा टोटली 120। ओके, तो मैंने इसलिए मिड पे ले लिया। अभी आप इस रेक्टेंगल को दोबारा से मूव करेंगे और इसके इसको पिक करेंगे इसके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से ऊपर को मुझे कितना ऑफसेट करना है, 20, तो मैंने 20 पर ऑफसेट कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, मिरर कमांड का यूज़ करूँगा और मिरर कमांड का यूज़ करके मैं एक और इसका मिरर क्रिएट करूँगा। ओके, तो मैंने मेरा ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, मैंने मिरर कमांड पे गए, तो मुझे मिरर लाइन देनी होगी जिस लाइन के रेफरेंस में मैं मिरर क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, मुझे जब मैंने वो लाइन दे दी तो यहाँ पर अब यहाँ पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है आप उसको इरेज करना चाहते हैं या नहीं, तो मुझे नहीं करना है तो मैं नो पर क्लिक करूँगा। ओके, तो इस तरह मेरा, देखिए आप, ड्राइंग जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी लाइंस, अभी मैं फ्लिट दे ले मतलब से फ्लिट दे देता हूँ इसके सारे कॉर्नर्स पर, बट मुझे यहाँ पर ही एक प्लेट की वैल्यू दी गई है 10, तो आप देख सकते हैं सभी जगह सेम प्लेट है, तो यानी कि मैं प्लेट दूंगा 10 रेडियस का। ओके, तो मैं प्लेट किया, रेडियस सेलेक्ट की मैंने, मुझे 10 mm का प्लेट यूज़ करना है, 10 mm रेडियस का, तो मैंने रेडियस 10 mm दी। अभी मैं मल्टीपल पर क्लिक करूँगा, अगर मैं मल्टीपल पर क्लिक नहीं करूँगा तो मुझे बार बार प्लेट कमांड देना होगा, फिर रेडियस देनी होगी, तो मैं मल्टीपल पर क्लिक करूंगा और मैं वही रेडियस इन सभी पर बार बार ले सकता हूं। ओके, सॉरी, मैं यहां पर क्या करूंगा कि फिलेट देने से पहले मैं इस एज को ट्रिम कर लूंगा। ओके, तो मैं टी आर डबल एंटर करने के बाद ये एज जो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ इसको इरेज कर दिया। ओके, अभी फिलेट देना ईजिली हो, मुझे आसान हो जाएगा। मैंने रेडियस फिर से दी 10 enter, और अभी मैं मल्टीपल पर क्लिक करके मुझे जहाँ जहाँ प्लेट देनी है मैं वहाँ वहाँ उसके एजेस पर क्लिक करूँगा। ओके, दो एजेस मुझे सिलेक्ट करने हैं, दो लाइन जो आपस में मतलब से मिल रहे हैं,
तो आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लैट कर लिए हैं कॉर्नर्स काफी। अभी मैं जो है मैं ये वाली लाइन को फ्लैट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये जो लेंथ है मुझे ये लाइन तक ही चाहिए। ये लाइन मैं इसको ऑफसेट करूंगा तो मुझे यहाँ तक चाहिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को ये जो लाइन आप देख रहे हैं मैं इस लाइन को ऑफसेट करूँगा। ओके, तो ऑफसेट कमांड पर मैं गया। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना होगा, यानी कि अगर ये जो आप देख रहे हैं सेमीसर्कल इसकी रेडियस 10 है तो ये कंप्लीट जो है वो 20, ये 20 20 20, यानी कि 3 times, यानी कि 60 ये हो गया, और टोटल हमारे पास 100 है। 100 में से 60 माइनस किया हमारे पास बचा 4। अभी हम 4 पार्ट्स में इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। ओके, 1 2 3 4, यानी कि 10 10 mm का ये हो गया और 20 20 mm के ये हो गए, तो 100 डिस्टेंस हमने कम्प्लीट कर ली। ओके, तो मैं क्या करूँगा, ऑफसेट, ऑफसेट मुझे कितनी करनी है, ऊपर से 10। मैंने इस लाइन को मैंने सॉरी मेरा क्या है कि मैंने डायरेक्टली रेक्टेंगल बनाया हुआ था, तो ये जो है वो जॉइंट है, तो मुझे इसको एक्सप्लोड करना होगा। तो अभी आप इसमें एक्सप्लोड कमांड को भी यूज़ करना देख सकते हैं कि मैं यहाँ मॉडिफाई में गया, सॉरी आप देख सकते हैं मॉडिफाई में यहाँ पर एक्सप्लोड दिखता है, सारे जो भी कमांड्स जॉइंट हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ओके, तो अभी मैं हर एक लाइन को अलग अलग सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो अभी मैं एक्सप्लोर ले लिया। अभी मैं फिर से ऑफसेट ले रहा हूँ, ऑफसेट में मैंने 10 mm जो है वो ऑफसेट डिस्टेंस लिया, यहाँ से मैंने 10 mm ऑफसेट लिया। अभी मैं फिर से ऑफसेट लूँगा कितना, 20। अभी मैं 20 mm ऑफसेट फिर से लिया। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं मैंने 20 mm ऑफसेट ले लिया। ओके, अभी मैं इस लाइन को भी ऑफसेट कर लूँगा 200। मुझे एक्चुअली ये लाइन मुझे यहाँ पर ज़रूरत है अभी, तो मैं क्या करूँगा इस लाइन को भी ऑफसेट करूँगा, तो मैं अगेन ऑफसेट ले लेता हूँ 200 mm पर, मैं इसको फिर से ऑफसेट कर रहा हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं, और इसी लाइन को मैं 10 mm पर ऑफसेट कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर भी लाइन चाहिए और यहाँ पर मुझे क्लोज लाइन चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों चाहिए। ओके, तो मैंने फिर से लिया और मैंने फिर ऑफसेट डिस्टेंस दिया 10 mm। अभी मैं एंटर किया, मुझे जिस लाइन को ऑफसेट करना है 10 mm पर, 10 mm के लिए मैं उस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, और मुझे जिस साइड ऑफसेट करनी है मैं उस साइड क्लिक करूंगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर क्लोज ज्योमेट्री, यहाँ पर क्लोज एक रेक्टेंगल टाइप का मिल गया है। ओके, अभी मैं क्या करूँगा, ट्रिम कमांड से इसकी एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज को हटाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 10 10 10 सर्कल ड्रॉ करूंगा, यानी कि टेंजेंट टेंजेंट एंड टेंजेंट। तो मैंने टेंजेंट 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 सर्कल ड्रॉ किया, अगेन मैं फिर से टेंजेंट 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 सर्कल को ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी ज्योमेट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज हैं मैं उनको इरेज कर दें, मैंने अब मैं ट्रिम कमांड को लूंगा। ट्रिम कमांड के लिए TR एंटर, डबल एंटर आपको करना होगा, TR और 2 times एंटर। ओके, तो 2 times एंटर करना होगा आपको, सॉरी आपको TR डबल एंटर। ओके, या डबल एंटर आप करेंगे तो आपका ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा ज्योमेट्रीज हैं मैं उनको इरेज कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इजी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है अभी, जैसे कि मुझे और जो भी मतलब से मुझे लाइंस इरेज करना है तो वो मैंने हटा। अभी मुझे ये जो सर्कल की ये अंदर की ज्योमेट्री मुझे इनको भी इरेज करना है, तो मैं इनको भी इरेज करता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं मुझे ये कम्प्लीटली ड्रॉ जो है वो हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप सोचेंगे कि कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पर फ्लैट देना है, यहाँ पर फ्लैट देना है, तो वो मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर गया फ्लैट, मैं अब फ्लैट ईजिली दे सकता हूँ। मैं फ्लैट देने के लिए मैं रेडियस लिया 10 mm रेडियस, एंटर। अभी मैं मल्टीपल 2 times मुझे उसको यूज़ करना है, यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर। इसकी इस कमांड के बाद मैं कॉपी कमांड को आपको बताऊंगा कि कॉपी कमांड की प्रैक्टिस करेंगे हम। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो ज्योमेट्री मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैंने इसको पूरा सिलेक्ट कर लिया, अभी मैं इसको जॉइंट कर लेता हूँ। जॉइंट करने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल ऑब्जेक्ट में मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। अभी मैं आप देख सकते हैं ये लाइन सिंगल ड्रॉ मतलब सिलेक्ट हो रही है। अभी मैंने इसको जॉइंट करने के बाद मैंने इसको सिंगल ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर लिया। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी करूँगा, हाँ यानी कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कमांड में गया। ओके, अभी मैंने इसका कॉपी मतलब से कॉपी करना है और यहाँ से पिक करके यहाँ
अपने ऑब्जेक्ट इसको कॉपी कर लिया है। अभी हम कॉपी करने के बाद इसको मूव करेंगे, तो मूव कमांड पे गए। अभी मुझे मूव करना है कहाँ से, इसके मिड पॉइंट से, कितना 10 mm, 10 mm मुझे मूव करना था, मैंने कर लिया। ओके अभी मैं फिर से करूँगा, फिर से वही स्टेप, सिलेक्ट मतलब से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अभी मैं उसको कॉपी करूँगा, इसके मिड पॉइंट से मैं इसको ग्रेप करके उसके नेक्स्ट मतलब से नीचे तक लाऊंगा, और उसके बाद मैं इसे इजीली मूव कर सकता हूँ। ओके एंटर, और मैं इसको 10 mm यहाँ से मुझे मूव करना है 10 mm। ओके तो आप देख सकते हैं 10 mm मैंने मूव कर रहा हूँ। ओके तो आप देख सकते हैं मेरा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे डायमेंशनिंग करना है, डायमेंशनिंग करने के लिए मैं इजीली तो अभी मैं डायमेंशनिंग करता हूँ मेरी ड्राइंग की। मैं डायमेंशन DIM आप यहाँ से कमांड बार में जाकर टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर या फिर आप रिवन बार से डायरेक्टली ले सकते हैं। तो मैंने डायमेंशन कमांड को लिया और मैं यहाँ डायमेंशन करूँगा, यानी कि मुझे इस लाइन से लेना है, तो मैं इसके इस लाइन के एंड पॉइंट से और इस लाइन के एंड पॉइंट पर क्लिक करूँगा, तो मुझे इस इन दोनों के बीच की डायमेंशन मिल गई। अभी मुझे यहाँ से लेना है, यहाँ से लेके मुझे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ तक लेना है, तो मुझे ये दोनों डायमेंशन मिल गए। ओके अभी मुझे ऐसे ही मैं यहाँ पर इस मैंने जो दो रेक्टेंगल बनाए थे मैं उनकी प्रॉपर डायमेंशन ले रहा हूँ। मैंने वो जो रेक्टेंगल बनाए थे वो कितने कितने बनाए, ओके तो आप देख सकते हैं। अभी मैं मुझे इस लाइन सॉरी मुझे इस लाइन और इस लाइन के बीच की डायमेंशन चाहिए जो कि 20 है, और मुझे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ इस मिड पॉइंट से और इस मिड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो है 20। ओके तो सारी डायमेंशंस मिल गई हैं। ओके अभी कुछ बाकी हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ से लिया, ओके सॉरी यानी यहाँ से क्लिक करके मैं इसे यहाँ पर क्लिक करूँ ताकि मुझे कंप्लीट मैच मिले। ओके अभी मैं इसके अपर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर मैं क्लिक करूँगा। तो इस तरह आप डायमेंशन करके अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके और आज हमने जो भी हमारी कमांड्स थी उन सभी को प्रैक्टिस किया एक्सरसाइज बोर्ड में। इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप जो भी कमांड्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएं थोड़ी, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इजीली जल्दी से जल्दी सारी ड्राइंग्स को जो है बना पाएंगे। ओके थैंक यू।